अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ओपन करें। चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। अपनी नोटबुक्स रेडी करें, डे एंड डेट लगाएं, क्लास टेस्ट लिखें। आज आप लोगों का एक्सरसाइज 1B का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबलर फॉर्म। हम लोगों ने जो सेट दिए गए हैं इनको टैबलर फॉर्म में लिखना है। टैबलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा वगैरह लगा के सेपरेट करके लिखते हैं, वो टैबलर फॉर्म बन जाती है। पहला है n इज़ इक्वल टू एक्स एच दैट एक्स इज़ द काउंटिंग नंबर लेस दैन 6। 6 से लेस दैन काउंटिंग नंबर हम लोगों ने बताने हैं। तो हम लोगों ने 6 से लेस दैन जो काउंटिंग नंबर है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा वगैरह लगा के सेपरेट करके लिखना है। सेकेंड वाला है c इज़ इक्वल टू एक्स एच दैट एक्स इज़ द नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड लेस दैन 20। 3 से डिविजिबल लेकिन 20 से लेस दैन, वो नंबर्स हम लोगों ने लिखने हैं। इनको भी हम ऐसे ही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा वगैरह लगा के सेपरेट करके जो नंबर 3 पर डिविजिबल हो रहे होंगे बट 20 से लेस दैन होंगे हम लिख देंगे। थर्ड वाला है एफ इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। जो वीक के डेज हैं इनको हम लोगों ने कोमा वगैरह लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हम एक्स एच दैट एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारा एक्स एच दैट एक्स की फॉर्म में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो अब इसका पहला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, क्यू इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। हम लोगों ने एक्स एच दैट एक्स की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताना है कि ये 2, 4, 6 सो ऑन जो है ये कौन से वाले नंबर्स हैं। इसी तरह सेकंड वाला है जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर। इसमें भी हम लोगों ने बताना है कि ये कौन से वाले फ्लावर्स हैं, कि क्या हैं ये, इसको हम लोग एक्स एच दैट एक्स की फॉर्म में बताएंगे। थर्ड वाला है टी इज़ इक्वल टू जनवरी, जून, जुलाई, ये भी हम एक्स एच दैट एक्स की फॉर्म में बताएंगे। इसी तरह फोर्थ वाला एम इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबलर फॉर्म। हम लोगों ने टैबलर फॉर्म में इन्हीं सेट को लिखना है। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। पहला है सेट ऑफ 1-डिजिट नेचुरल नंबर। 1-डिजिट नेचुरल नंबर को भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा वगैरह लगा के सेपरेट करके लिखेंगे। सेकेंड वाला है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 और 20 के बिटवीन जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनको भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा वगैरह लगा के सेपरेट करके लिखेंगे। थर्ड है सेट ऑफ 2-डिजिट नंबर। 2-डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 9 के बाद 2-डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनको हम कोमा वगैरह लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आपके इतना ही है क्लास का टेस्ट। अब हम लोग होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क में क्या करना है आप लोगों ने? आपने 2 डेफिनेशंस करनी है, डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट आर सेट्स दैट डू नॉट कंटेन कॉमन एलिमेंट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स आर सेट दैट हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिसमें कम से कम 1 कॉमन एलिमेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों डेफिनेशन आपने अपने होमवर्क में करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।